Hello, this is my white dashboard here, and today we are going to talk about Aaron Counter. Aaron Counter सच में एक ऐसी स्ट्रेटजी है जो ग्लोबली बहुत ही ज़्यादा फेमस है, बहुत ही ज़्यादा यूज होने वाली स्ट्रेटजी है. डेफिनेटली ये एक नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटजी है जहाँ हमें डायरेक्शंस की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, हमें प्रेडिक्ट करने की जो ज़रूरत ही नहीं पड़ती है. ठीक है, इट्स अ नॉन डायरेक्शनल बिकॉज ऑफ कि आप कॉल एंड पुट दोनों साइड में आप बैठे हुए हैं. मीन्स बैठे हुए मीन्स क्या कि आपने अपना ट्रेड कॉल में भी डाला हुआ है और आपने अपना ट्रेड पुट में भी डाला हुआ है. ठीक है, तो इसमें डायरेक्शन लेस है, नॉन डायरेक्शन है. सो लेट्स गो कि क्या है आयरन काउंटर एंड इसकी सेटअप कैसे होती है. ठीक है, तो सपोज निफ्टी जो है 10,000 अराउंड ट्रेड कर रही है. सॉरी, मैंने वहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, बट वो कंसिडर करें आप कि ठीक है 10,000 है. तो सपोज निफ्टी 10,000 ट्रेड कर रही है अभी निफ्टी. ठीक है, तो मैं यहाँ से 200 पॉइंट की गैप लेता हूँ. मीन्स द डिस्टेंस, मैं डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ. मैं यहाँ डिस्टेंस का मतलब क्या हुआ, जैसे 10,000 कर रहा हूँ ना, मैं इसमें ऐड करूँगा 200 रुपीज़, 200 पॉइंट्स. तो हमारा जो नया लेवल आएगा वो 10,200 का लेवल आएगा. ठीक है, एंड सेम थिंग हम पुट में भी करेंगे. अगर 10,000 में से 200 माइनस करेंगे तो 8,800 की स्ट्राइक प्राइस निकलेगी. ठीक है, दोनों चीज़ हम सेम कर रहे हैं, 200 पॉइंट प्लस एंड माइनस कर रहे हैं कॉल एंड पुट में. तो हमारा ये जो भी है वो OTM आउट ऑफ द मनी का स्ट्राइक हमने सेलेक्ट कर चुका है. ठीक है, तो 10,200 का हमारा कॉल है जो मैं जो सेल किया हुआ है. एंड 10,300 का क्या है, 10,200 का प्रोटेक्शन के लिए हमने 10,300 का बाई किया है. मीन्स हमारा ओवरऑल जो कॉल साइड में निकल के आ रहा है वो 10,200 का सेल है एंड 10,300 का बाई है. थोड़ा सा सिंपल करने की कोशिश मैं करता हूँ. सपोज आपने 10,200 की कॉल बेची हुई है के प्रोटेक्शन के लिए, 10,300 की कॉल आपने बाई की हुई है. ठीक है, सेम थिंग यही है पुट साइड में. आप देख सकते हैं मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, एंड इट्स अ नॉन डायरेक्शनल, मैंने आपसे पहले ही कह चुका हूँ. ठीक है, एंड जब भी आप स्ट्रेटजी प्ले करेंगे आपको कुछ ना कुछ क्रेडिट मिलेगा प्रीमियम से. ठीक है, कुछ ना कुछ. चलो मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ. जैसे 10,200 का है, सपोज ये की प्रीमियम की वैल्यू 100 रुपीज़ है. ठीक है, एंड 10,300 की जो वैल्यू वैल्यू है वो 80 रुपये है. मीन्स कि क्या आपने 100 रुपये की प्रीमियम सेल की और 80 रुपये की प्रीमियम को बाई की, आपको नेट क्रेडिट मार्केट से 20 रुपीज़ की होती है. सेम चीज़ इस पुट के साथ भी होगा, एंड आप 20 रुपीज़ यहाँ से क्रेडिट करेंगे. मीन्स 20 एंड 20 इज़ 40, ये आपका मैक्सिमम प्रॉफिट है 40 रुपीज़. ठीक है, आप 40 रुपीज़ यहाँ से प्रॉफिट कर सकते हैं. यहाँ से ये आपकी मैक्सिमम प्रॉफिट है, लेकिन ये प्रॉफिट 40 रुपीज़ कब होगी, जब मार्केट 10,200 और 8,000 के बीच एक्सपायर करेगी. तो मतलब ये 400 का लेवल ऐसा है, इन बीच एक्सपायर करती है तो आपको इस चीज़ की प्रॉफिट होगी. ठीक है, तो ये तो हमारा सेटअप है कि हम आयरन काउंटर कैसे बना लिए हैं. ठीक है, इसमें मैं एक नेक्स्ट वीडियोस बनाऊंगा जिसमें आयरन काउंटर की एडजस्टमेंट के बारे में मैं बताऊंगा आपको. इसका मल्टीपल एडजस्टमेंट हो सकता है, एंड हम इसे कैसे एडजस्ट करेंगे अगर हमारा आयरन कुंडर रेड जोन में, मतलब रेड जोन में जाने लगे, तो हम इसे प्रॉफिटेबिलिटी वाली एरिया में फिर से कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा. ठीक है, एंड आयरन कुंडर में लिमिटेड लॉस है, लिमिटेड प्रॉफिट है. सो डोंट वरी अबाउट कि अगर मार्केट कुछ भी हो जाए, 10,200 से 5,000 हो जाए निफ्टी, फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिमिटेड है. एंड 8-10,000 से निफ्टी 5,000 हो जाए फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं, सॉरी मैं थोड़ा उल्टा बोल दिया. तो मार्केट कहीं भी जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, क्योंकि इसमें लिमिटेड लॉस एंड लिमिटेड प्रॉफिट है, एंड इट्स द बेस्ट स्ट्रेटजी. एंड इस बेस्ट स्ट्रेटजी में अगर आपको एडजस्टमेंट का अच्छा पता है, आपको एक्सपीरियंस है एडजस्टमेंट का, तो डेफिनेटली ये स्ट्रेटजी बहुत ही बेहतरीन हो सकती है और आप इसे बहुत ही अच्छे से यूज कर सकते हैं. ओके, तो अगर किसी को एडजस्टमेंट भी सीखना होगा, हमारे नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा मैं. ठीक है, एंड किसी को अपना पर्सनल ट्रेड के बारे में भी पूछना है जो हैजिंग से रिगार्डिंग है, या फिर तो आप मुझे उस पर कॉल भी कर सकते हैं, मैंने नंबर दिया हुआ है. सो आप वहाँ से नंबर से फ़ोन करके एंड आयरन काउंटर के एडजस्टमेंट के बारे में मुझसे डिस्कस कर सकते हैं. सो थैंक यू सो मच, एंड ये एक मेरा बेसिक था आयरन काउंटर का. मैं नेक्स्ट वीडियो में एडजस्टमेंट के बारे में भी बात करूंगा, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस.